गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सेशन टू. ओके, सेशन टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ यूनिट सेकेंड. ओके, यूनिट सेकेंड का सेशन टू पढ़ेंगे आप. नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन. वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल एंड वी आर नथिंग without others. Right from our childhood, we have been taught about having team spirit, the art of working in team, and so on. Having the quality of being team player is indeed excellent quality. Okay, we human beings are social animals. Students, जो human beings है वो सोशल में, मतलब सोशल में ह्यूमन बीइंग्स को एक एनिमल कहा गया है. लाइक दिस वी आर नथिंग विदाउट अदर्स, बिकॉज कि ह्यूमन जो है एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है. ओके, नाइन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में जैसे आप जानते हो कि बचपन में हम एक दूसरे के बिना नहीं खेल पाते हैं. अकेले कोई खेल पाता है? नहीं. ओके, हम एक कुछ लोगों का साथ लेके ही खेलते हैं. तो वैसे ही कोई भी वर्क अगर हम करते हैं इन टीम, अगर टीम में कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है, उस काम की क्वालिटी अच्छी होती है. क्वालिटी ऑफ बीइंग इन टीम प्लेयर इज इंडेड एक्सीलेंट क्वालिटी. ओके, अगर हम टीम में कोई भी काम करते हैं तो काम अच्छा होगा. अकेले अगर करेंगे, वही चार लोग मिलके करेंगे अगर, तो काम क्या होगा हमारा, अच्छा होगा, एक्सीलेंट क्वालिटी होगा. In life, not all occasions and situation demand teamwork, but life में हमेशा ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है कि teamwork के से काम किया जाए. ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई occasions आ जाते हैं, कोई situations आ जाती है जिससे कि अकेले work को करना पड़ता है. ओके, तो many condition require that one most be able to handle the situation on one's own, है ना. किसी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि हमें खुद, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, खुद पे इंडिपेंडेंट हो करके वर्क को करना पड़ता है हमें, है ना. और बेटा, आजकल की लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि हर काम टीम वर्क हो जाए, सब मिलकर आपका काम करवा ले. ओके, ऐसा नहीं है. आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, है ना. सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम के लिए आकर के हेल्प कर दे, मिलकर के आपका काम करवा दे. तो आपको अकेले काम करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी होगी. तो आपको अकेले काम करना आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इंडिपेंडेंट. ओके, इन दिस सेशन वी शैल डिस्कस द वेरी सम क्वालिटीज वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ऑल इट टेक्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वालिटीज़ को. ओके, कुछ क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो अगर हम वर्क इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना होगा, हमें फॉलो करना होगा. इंडिपेंडेंट वर्किंग, सम सीनियर्स रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट वर्किंग सच एज सेल्फ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड grasping a concept, doing self-regulated research, working on independent project and so on. Important thing about independent working are, okay? जब अकेले हमें वर्क करना होगा, कोई ऐसा वर्क अगर हमें मिला और हमें उसे खुद करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, तो हम कैसे करेंगे, किस चीज़ों को पे विशेष ध्यान देंगे हम, ये हम देखते हैं. ओके, यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर वर्क, मतलब कि पूरे काम की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी. ओके,
नेक्स्ट आपका है यू टेक द ऑनरशिप ऑफ इट, यू मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर इट. उस काम को अपना काम समझकर करना है. ओके, आप उस काम के ऑनर हो जाते हैं. आपको जो भी काम मिलता है उसको आप अपना काम समझ के करोगे. ओके, उस जब आपको अगर कोई काम मिल जाता है तो उसके क्या हो जाते हैं आप, ऑनर. ओके, नेक्स्ट आपका है यू आर रेडी टू डू अनसुपरवाइज्ड वर्क. अनसुपरवाइज्ड वर्क का मतलब क्या होता है कि देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा. ओके, अनसुपरवाइज्ड का मतलब है कि देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा. ओके, यू डू नॉट रिक्वायर कंस्टेंट सुपरविजन. ओके, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हम एडवाइस लेते हैं किसी से, कैसा है कैसे करें हम. ओके, तो ये चीज़ जो है आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, सुपरवाइज कोई नहीं होगा, आपको कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं होगा. आपको अपना काम खुद से करना होगा, आपको डिसीज़न लेने होंगे खुद से, है ना, कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, पहले क्या करना है, ये आपको डिसीज़न खुद से लेना होगा, क्या गलत है क्या सही है. ओके, नेक्स्ट आपका है यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम बजट एंड दैट टू आर पर स्टेट ऑब्जेक्टिव एंड डिलीवरेबल. मतलब जो भी काम की जिम्मेदारी आपको आपने ली है, ओके, जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो सही समय पे कंप्लीट हो जाए, है ना, जितना बजट मिला है उस बजट में कंप्लीट हो, और साथ ही साथ जैसा रिज़ल्ट देना था उस चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. तो आपको जैसा रिज़ल्ट देना चाहिए होगा वैसा ही रिज़ल्ट आना चाहिए. ये सब का ध्यान देना होगा आपको. ओके, नॉट ऑल सिचुएशन आर फिट द इंडिपेंडेंट वर्क. दीज आर सिचुएशन इन विच यू मस्ट नो हाउ टू वर्क विद द टीम इन अ टीम एंड बी टीम प्लेयर. नॉट ऑल सिचुएशन आर फिट फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग. इंडिपेंडेंट वर्किंग में बोल रहा है कि सिचुएशन नहीं होती, मतलब ऑल सिचुएशंस में हम इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते हैं. मतलब हर काम हमारे लिए अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं होता है. ओके, तो दीज आर सिचुएशन इन विच आर मोस्ट नो हाउ टू वर्क विद अ टीम, है ना. तो कुछ सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि टीम में ही वर्क को करना होता है कंप्लीट. इन अ टीम एंड बी अ टीम प्लेयर. जब टीम बनता है तो टीम में कुछ लोग होते हैं जो कि सबको अपना अपना वर्क मिलता है. तो सिमिलरली नॉट ऑल सिचुएशन आर फॉर फिट फॉर टीम वर्क. सम सिचुएशंस रिक्वायर इंडिपेंडेंट वर्किंग. वैसे ही कुछ सिचुएशन होती है, आता है, जिसमें कि किसी भी वर्क को इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है. ओके, सो यू शुड हैव बोथ द क्वालिटीज सो दैट यू एक्सेल इन योर लाइफ. तो ऐसे ही आपको दोनों की क्वालिटी आनी चाहिए, वर्क इंडिपेंडेंटली की भी आनी चाहिए और फिर टीम में भी आनी चाहिए. ठीक है, टीम के साथ भी वर्क करना आपको आना चाहिए कि टीम में कैसे वर्क करेंगे हम और इंडिपेंडेंटली भी वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों रिक्वायर है, दोनों हमें इस दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, नाउ योर इंट्रोडक्शन इज़ फिनिश्ड एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे. ओके, बाय.